चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां उत्तर वन मंडल की सारणी रेंज के जंगल और सारणी के रहवासी इलाके से आसपास पिछड़े एक पखवाड़े से भटक रहे टाइगर को एसटीआर की टीम ने बेहोश कर पकड़ लिया है। टाइगर का मूवमेंट दो दिन से राख बांध के लाल चौकी के पास मिल रहा था। इसकी सूचना के बाद एसटीआर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के करीब 125 कर्मचारियों की टीम ने टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के काम शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि एसटीआर वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की टीमों ने लाल चौकी के पास टाइगर के मूवमेंट मिलने के बाद चार हथियारों की मदद से उसे चारों तरफ से घेर लिया। टाइगर को कहीं भागने का मौका नहीं मिल सका और हाथी पर बैठकर वन विभाग की टीम के एक्सपर्ट शूटर ने टाइगर को इंजेक्ट किया। जिस समय टाइगर को इंजेक्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय टीम ने आम लोगों के साथ मीडिया को भी घटनास्थल से करीब 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया, ताकि इस काम में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान न आ सके। वन विभाग के अफसरों ने बताया कि टाइगर को वन विहार भोपाल ले जाया जाएगा। इस बार हमें जो पिछली बार की दिक्कत थी कि उसको हमें लोकेट करना पड़ता था, तो इस बार हम उनकी कॉलर लगाए हुए थे, पिछले लोकेशन हमें लगातार मिले, इसी की वजह से हमें इस बार जल्दी सफलता मिली। पिछली बार आपने देखा होगा कि सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन इस बार हम करीब करीब 5-6 घंटे में उसको लोकेट करके कार्रवाई कर पाए। तो कॉलर होना और फिर पिछली बार के अनुभवों को साथ रखते हुए ये संभव हो पाया। सर, काफ़ी लंबा समय लगा, शेर का मूवमेंट सामने काफ़ी दिनों तक रहा, उसके बाद में इसको रेस्क्यू किया गया, क्या रीज़न था सर? नहीं, प्राथमिकता हमारी ये थी कि हम इसको रेस्क्यू करेंगे तो फिर हम इसको कहीं बाड़े में डालेंगे या फिर कहीं जू में बंद करेंगे। तो चूंकि अभी नया टाइगर है, अभी 2.5 साल की उम्र हुई है, तो इसको पूरा चांस दिया जा रहा था कि ये अपनी जो जंगली जीवन है उसको जी सके। और इस बार हमें ये आशा थी कि ये यहाँ से आगे बढ़ाता रानीपुर की तरफ गया हुआ था, तो मुझे हमें आशा थी कि ये अपने पुराने रास्ते पे हो कर अपने पुराने आवास स्थल पे जा सकते, इसलिए हमने इसको वाच किया। सर, अब कितने चांस हैं इसके वापस आने के? अभी तो इसको हम फिर बाड़े में रखने वाले हैं और उसके बाद एक्टिविटी 3-4 महीने कम से कम देखी जाएगी। उसके बाद अगर इसके बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं आया तो फिर इसको तो बाड़े में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम इसको रिलोकेट करने की बात। सर, लास्ट टाइम पत्रकारों को अलाउ किया गया था, लेकिन इस बार उनको भी रोक दिया गया, क्या रीज़न? नहीं, हमारे पिछली बार हमारा जो कार्य क्षेत्र था वो बड़ा था और पूरा का पूरा मैदान था करीब 300 हेक्टेयर का। इस बार हम बहुत ही लोकलाइज थे और पत्रकार। सर बताइए, जो टाइगर आज रेस्क्यू किया गया है, कि कब से यहाँ पर इसकी मूवमेंट थी और आज किस तरह से रेस्क्यू हुआ है? टाइगर ये पिछले करीब 10-12 दिन से यहीं सारणी के आसपास था, कभी सारणी से थोड़ा आगे चला जाता था फिर वापस आ जाता, ऐश डैम जो राख डैम है उसी के आसपास उसका मूवमेंट लगातार बना हुआ था। इससे पहले इसको दिसंबर महीने में भी उस रेस्क्यू किया था और इसको काना ले गए थे, वहाँ रखा गया था, थोड़ा ट्रेंड होने के बाद उसको वापस यहाँ सतपुड़ा नेशनल पार्क में छोड़ा गया था और सतपुड़ा से छोड़ने के बाद वहाँ सतपुड़ा नेशनल पार्क की टीम उसको फॉलो कर रही थी लगातार। ये लगभग 12 दिन पहले ये अपने सारणी के आसपास वहाँ से जहाँ से छोड़ा, लगभग 100 किलोमीटर दूर छोड़ा था, वहाँ से मूवमेंट ये चलते चलते यहीं वापस आ गया था और यहाँ से आगे नहीं जा रहा था, तो इसकी सेफ्टी के लिए, टाइगर की सेफ्टी और पब्लिक दोनों की सेफ्टी के लिए इसको वहाँ से वापस शिफ्ट करना ज़रूरी था, इसलिए आज उसको रेस्क्यू किया गया। कितने घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह करीब 6:30-7 बजे शुरू किया गया था और अभी करीब 12 बजे के आसपास, 12:30-12। अब कहाँ लेकर जा रहे हैं टाइगर? अभी उसको सतपुड़ा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर, उनकी पूरी टीम है, उन्हीं के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, वहीं के डॉक्टर्स थे और वो अभी यहाँ से उसको कान्हा नेशनल पार्क ले जाने का तय हुआ है। अब दोबारा यहाँ सतपुड़ा लाएंगे या वहीं रखेंगे सर? नहीं, उसको कान्हा नेशनल पार्क में रखा जाएगा और फिर जैसे वो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको ट्रेन, अगर जैसा भी उसके साथ आगे कोई चीज़ कितना होता है क्या होता है उसी आधार पर उस पर वाइल्ड लाइफ की जो भी एक्सपर्ट्स टीम है वो उस पर निर्णय लेगी। अभी सुरक्षित है सर? क्या उम्र? हाँ, टाइगर बिल्कुल स्वस्थ है। पहले हमको शंका थी कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है फिजिकली, इसलिए
इस प्रकार का इसका बिहेवियर हो रहा, परंतु आज इसको देखा गया तो उसके दांत नाखून वगैरह सब बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो टाइगर स्वस्थ है। और जो भी कारणों से है, ये आबादी के क्षेत्र के आसपास ही क्यों रह रहा है ये अभी नहीं बता सकते हैं, पर टाइगर पूरा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ।